कि कश्मीर का विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ वो भी उसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट को टो करते हैं जो पाकिस्तान कहता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं होता तो कश्मीर इंडिया नहीं होता दिस इज ब्लडी नॉनसेंस कश्मीर को टूरिस्ट सेंटर बना दिया कश्मीरीज वर साइंटिस्ट कश्मीरीज आर द हाईएस्ट क्लास ऑफ रिसर्चर्स इज अवेलेबल अस्सलाम ब्यूटिफुल व्यूअर्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अनिका नज़ीर आज के वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हैं काफ़ी बार आपके कमेंट्स आते थे कि अभिषेक जी को अपनी चैनल पे बुलाएं आज आपकी रिक्वेस्ट uh, पे हमने उनको चैनल पे बुला ही लिया वो एक लॉ प्रोफेसर हैं एंड आज उनसे हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो थैंक यू अनिका जी फॉर इनवाइटिंग में आपने मुझे निमंत्रण दिया मुझे बुलाया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आभारी हूँ और आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और थैंक यू सो मच अभिषेक जी आप से बात करते हुए पता चला कि आपने आउट ऑफ इंडिया भी बहुत एज अ प्रोफेसर काम किया है तो कानून के बारे में आपको लोगों को तो बिट या काम या ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है लेकिन आपको एज अ लॉ प्रोफेसर कानून के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है और कश्मीर के बारे में हमेशा कोई ना कोई बात उठती रहती है तो आज हम आ, इसी मौजू पर अपना डिस्कशन रखेंगे कि लीगल प्रस्पेक्टिव यू का लीगल प्रस्पेक्टिव क्या है ऑन कश्मीर क्योंकि जज्बाती बातें तो अड़ अड़ोस पड़ोस में लोग बहुत करते हैं कि कश्मीर हमारा है इसका है उसका है बट लीगैलिटी क्या है कश्मीर की वो जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनके पास एक इंफॉर्मेशन रहे के, uh, कश्मीर का स्टैंड क्या है कश्मीर का के मुद्दे का स्टांस क्या है इंटरनेशनली लीगली तो uh, वो जो इंटरनेशनल uh, हम कह सकते हैं या यूएन uh, एनस्पेक्टिव क्या है लीगल प्रस्पेक्टिव कश्मीर के ऊपर उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे थैंक यू अनिका जी देखिए लीगल प्रस्पेक्टिव इसके बहुत ठीक है, है ना बेसिकली uh, ये जो मैटर है जो सब्जेक्ट मैटर है Um, कि कश्मीर इशू है क्या इसको लेके एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है दूसरी इंटरनेशनल लीगल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इंटरनेशनल लॉ में इसका क्या स्टेटस है डिस्प्यूट क्या होता है क्या ये डिस्प्यूट है भी या नहीं है इन सब चीज़ों पे बहुत uh, मतलब इसके कई लेयर्स में आपको जाके एनलाइज करना पड़ता है तो मैं इन चीज़ों को कट शॉर्ट कर देता हूँ आई स्टार्ट विदार्टिंग चलिए एक मैटर तो है ठीक है ना हम इसको डेट्स मा, माने ना माने यूनाइटेड नेशन इसको कैसे देखता है तो देखिए ये जो मैटर मेन है जिसको पाकिस्तान की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्लेबिसाइट की डिमांड करते हैं कि ना? तो है क्वेश्चन लॉ में कोई रिक्वायरमेंट है which, uh, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है प्लेबिसाइट की क्या इंटरनेशनल लॉ में प्लेबिसाइट कोई कॉन्सेप्ट है जो कि आपको करवाना पड़ता है ये किसी स्टेट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है देखिए ऐसा है कि इसको समझने के लिए आपको क्योंकि मैं उतना दीप पे नहीं जाऊंगा ये समझते हुए कि हमारे जो बहुत से दर्शक गण होंगे वो बहुत ही आ, मतलब नॉन लीगल बैकग्राउंड के होंगे तो जब तक कोई लॉ आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं डाले तब तक वो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर होती नहीं है यानी जब तक लॉ आपसे कुछ करने को स्पेसिफिकली ना कहे कि भाई आपको ऐसा करना है तो कोई आपके ऊपर वो ऑब्लिगेशन डाल नहीं सकता आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ऐसा करें तो इसी इसी सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या इंटरनेशनल लॉ इंडिया के ऊपर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन डालता है कि वो कश्मीर में प्लेबिसाइड कराए यह एक प्रश्न है जो पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो कश्मीर में जो थोड़े बहुत लोग हैं जो जो उधर की भी सिंपैथी रखते हैं उनके मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा तो क्वेश्चन है कि इसका आंसर कहां तलाशें इसका आंसर पहले तो आपको फिलोसफी में समझना पड़ेगा फिर जो लीगल कॉन्क्रीट लीगल रिक्वायरमेंट है उसमें समझना पड़ेगा फिलॉसफी ये कहती है कि 1945 के बाद दुनिया जो लीगल ऑर्डर बनाई गई इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर जो बनाई गई उस लीगल ऑर्डर की दो खास बात थी एक उस जो उसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो जिस पिवट पे वो है एक है डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर दूसरा है वो था डी यानी कि कॉलोनाइजेशन को खत्म करने का काम भी यूएन चार्टर करता है तो पहला वाला जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर वो हम अभी जाने देते हैं डी कॉलोनाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि डी कॉलोनाइजेशन कैसे होगा ठीक है ना बिकॉज कि आप देखें कि 1919 में जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें कॉलोनीज के लिए प्लेस हुआ करता था अगर आप लीग ऑफ नेशन की ट्रीटी की अध्ययन करेंगी तो आप पाएंगे कि उसमें जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज या जिनको कॉलोनीज़ कहते थे डोमिनियंस कहते थे और स्टेट कहते थे ऐसे चार पॉलिटिकल एंटिटी हुआ करते थे डोमिनियंस स्टेट कॉलोनीज इस तरीके की क्लासिफिकेशन थी तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1919 के बाद ये डिसाइड किया गया कि यूरोप टूटा जब यूरोप टूटा यूरोप मतलब जो एम्पायर थे यूरोप में वो टूटे कौन कौन से मेन एम्पायर थे ऑप्सबर्ग डायनेस्टी और ऑटमन डायनेस्टी ठीक है ना ऑटमन एम्पायर जिसको आप उर्दू में सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं सल्तनत उस्मानिया तुर्की टर्क लोगों का एक एम्पायर था टर्क कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है टर्क यूरोपियन नहीं थे टर्क सेंट्रल एशिया से आए और वो पर्शिया होते हुए पहुंच गए यूरोप और यूरोप के एक भूभाग पे जो एनतोलिया पहले कहलाता था आज का वो मॉडर्न डे टर्की है वो ग्रीस का पार्ट हुआ करता था उस पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया तो तुर्कों ने जब इस इलाके पे कब्जा कर लिया तो यूरोप वो वाला जिस पार्ट पे उन्होंने कब्जा किया वो ऐसा इलाका है जो यूरोप को वेस्ट एशिया यानी एशिया से जोड़ता है ठीक है ना तो उस इलाके पे कब्जा होने के कारण ऑटोमन अंपायर कुछ यूरोप में रहा और कुछ वो वेस्ट एशिया में रहा वेस्ट एशिया जिसको आप अरबिक कंट्रीज कहती है तो अरबों ने अरबों को गुलाम बना लिया तुर्कों ने तो ऑटोमन के अंदर में पेलेस्टाइन और इस टाइप के काफी ज्यादा इलाके उनके उनके जेर नजर आ गए या उनके वसाल में आ गए उसी तरीके से ऑब्सबर्ग डेटी भी थी जब ऑब्स दोनों ये टूटे डिसमेंटल हुए 1919 में बिकॉज़ आपको याद होगा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा था उस समय अगर आप देखें तो वो चल रही थी हमारे यहाँ की जब ये वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था तो ये डिसाइड किया गया कि ये सही समय है अंग्रेजों पे प्रेशर डाला जाए और उनसे कहा जाए कि मेरा देश छोड़ के चले जाओ तो उसमें आपको ये देखिएगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुस्लिम की थी जो ये कह रही थी कि भाई आप सल्तनत उस्मानिया को कुछ मत कीजिए आप हमारा वो कैलिफेट है हालांकि वो एक तरीके से गलत कह रहे थे क्योंकि कैलिफेट का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद और उनके जो चार खलीफाए राशिदीन है उनके अलावा कैलिफेट की परिकल्पना करना एक तरीके से अपराध है क्योंकि ये तो प्रॉफेट ने खुद कहा था कि भाई हमारे जो चार खुल्फाए हैं चार खुल्फाए राशिदीन और मैं और मेरी बेटी से ही प्यार करना एक मोमिन के लिए जिम्मेदारी है तो तुर्कों को अरबों का मालिक मान लेना अरबों की कैलिफेट उनके ऊपर क्रिएट कर देना जिसका की हेड तुर्क हो और अरब ना हो ये अरबों के साथ बहुत बड़ी जाती लेकिन तुर्कों ने उनकी किताब का यूज करके उनको ही गुलाम बनाया और हिंदुस्तानियों ने एक तरीके से अरबों को छोड़ दिया ठीक है ना उन्होंने तुर्कों का साथ दिया और तुर्कों को साथ देने का मतलब उन्होंने कहा कि आप ऑटोमन डायनेस्टी को मत गिराइए और हम इंडिया में आपका सपोर्ट करेंगे ये हिस्ट्री जाननी जरूरी है लोगों के लिए तो ये क्योंकि डी की शुरुआत कहां से हुई ये समझने के लिए तो फिर जो अंग्रेज आए उन्होंने आपकी हमारी बात सुनी नहीं वहां पे जो ऑटोमन्स था वो वॉर हारे लेकिन उस वॉर में एक बहुत बड़ी शख्सियत का तुर्की में उदय होता है और उनका नाम है अता तुर्क की उनको उपाधि दी गई अता माने फादर ठीक है ना अता मीन्स फादर फादर ऑफ तुर्क इज अता तुर्क तो अ, कमाल पाशा उनका नाम था इफ आई एम नॉट मिस्टेक मैं नाम में दिमाग से उतर रहा है तो अता तुर्क ने और इन लोगों ने बैठ करके यूरोप में ये डिसाइड किया कि भाई अब यूरोप को रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करें जैसे आप देखें जब कश्मीर को मोदी जी ने थोड़ा दो हजार उन्नीस में तो ये प्रश्न आया ना कि भाई कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करें कई पॉसिबिलिटी थी कश्मीर और लद्दाख दोनों दो स्टेट बन जाए लद्दाख स्टेट बन जाए कश्मीर यूटी बन जाए कश्मीर स्टेट बन जाए लद्दाख यूटी रह जाए इस तरीके की कई पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सेम क्वेश्चनराइज रोज इन इन यूरोप कि अब तो ओटोमन एम्पायर गिर गया अब ओटोमन एम्पायर से कुछ इलाके वेस्ट एशिया के फ्री हो गए कुछ इलाके यूरोप के फ्री हो गए क्रिएट करें? इनका, इनका करेंगे तो उसमें जो वेस्ट के जो बड़े बड़े लीडर्स बैठे उन्होंने ये कहा कि एक ही तरीका है यूरोप को रिकन्फिगर करने का रीऑर्गेनाइज करने का वो है लैंग्वेज बेस्ड नेशन स्टेट ठीक नेशन के आधार पर स्टेट दे दो इसका पैल आपके दर्शक यू समझ सकते हैं कि उन्नीस में जब भारत आजाद हो गया उन्नीस के बाद तो उन्नीस में ये हमें भी ये प्रश्न हमारे मन में भी उठाया कि भारत को कैसे रीऑर्गेनाइज करें क्योंकि अंग्रेजों ने तो कुछ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी बना दी थी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे कुछ लूज स्टेट्स थे जिनको एबीसी कैटेगरीज ऑफ स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसके शेड्यूल में आपको वो मिल जाएगा तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इंडिया को रिकनफिगर री करेंगे रीऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जैसे आज आप कश्मीरी हैं कश्मीरी इज अ लैंग्वेज एक समय कश्मीर पंजाब का भी पार्ट हुआ करता था ठीक है ना तो वो जो कांग्रुईटी है वो आपको दिख जाती है इसलिए आपको पंजाबी इंफ्लुएंस वहां की लाइफ में दिखता है एंड दैट एक्सप्लेन्स कि जो पंजाबी पाकिस्तानी है उनका क्यों कश्मीर के साथ एक अलग लगाव है जबकि बंगाली पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से अलग हुए उनका कोई लगाव नहीं है बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुईटी ऑफ द ऑफ द लैंड ठीक है ना तो ये जो डिवीजन हुआ कश्मीर में ये डिसाइड यूरोप में डिसाइड किया गया कि नेशन स्टेट बनाओ तो नेशन स्टेट बनाने के लिए क्वेश्चन ये था कि नेशन डिटरमाइन कैसे करें उसको छोड़ दे ये समझना जरूरी था अब आ जाइए 1945 में वार दोबारा हुई फिर वही क्वेश्चन आया कि अब सिर्फ सल्तनत उस्मानिया नहीं टूटी थी अब सिर्फ हफ्सबर्ग डायनेस्टी नहीं टूटी थी इस बार तो ब्रिटिश एंपायर डिसमेंटल हो गया आप समझ रही हैं ब्रिटिश एम्पायर के हाथ से टेरिटरी कई यूरोप के कई बड़े बड़े फ्रेंच एम्पायर से उनके अल्जेरिया और इस टाइप की उनकी टेरिटरी उनके हाथ से निकलने लगी तो अब जो इनका आउटसाइड यूरोप भी इनके हाथ से टेरिटोरिया टेरिटरीज जाने लगी

एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन ये था कि अगर कोई टेरिटरी किसी ऐसे ऐसे सिस्टम से गवर्न हो रही है जो कि वहां के लोगों के साथ कल्चरली सिंक्रोनाइज़ uh, नहीं करती उनको आप स्ट्रेट अवे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन लगाइए और उनको ये राइट right दीजिए कि वो अपना अपना जो एसोसिएशन है कॉलोनाइज पावर के साथ कैसे रखना चाहते हैं डी कॉलोनाइज कीजिए इनको और दूसरे वो थे कि जो अभी कंट्रीयां आजाद हो गई थी कि इनको पता था कि भाई ये तो कंट्री बन गई है कि उनके अंदर की व्यवस्था कैसी होगी उनके अंदर की व्यवस्था ऑटोक्रेटिक होगी डेमोक्रेटिक होगा इलेक्शन होगा ह्यूमन राइट्स होगा नहीं होगा ये व्यवस्था कैसे चलेगी क्या कोई राजशाही चलेगी क्या वो अपना हेड ऑफ स्टेट खुद चुनेंगे या हेड ऑफ स्टेट कंटिन्यू करेंगे जैसे आप यूके में देखें उनका हेड ऑफ स्टेट वो खुद नहीं चुनते हैं रानी जो है उनके फैमिली के वंशज से वो चले आ रहे हैं वो डेमोक्रेसी जरूर चुनते हैं मगर उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है तो पॉइंट ये है कि तो है। आप ये ये जो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का दो मतलब था इंटरनल का मतलब यह था कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जब हमने ये आइडेंटिफाई ये कर लिया कि टेरिटरी जो है वो टेरिटरी अब एक 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 नेशन स्टेट बनने जा रही है या इंडिपेंडेंट स्टेट बनने जा रही है अब उसके लोग किस तरीके का किस तरीके की गवर्नमेंट मैकेनिज्म का चुनाव करेंगे जैसे भारत उन्नीस में जब आजाद हो गया तो यह तो पता था कि भाई ये टेरिटरी जो है वो भारत है ठीक है ना अब भारत की जब संविधान बनी तो भारत के संविधान में कई ऑप्शन थे हम हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉर्म ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट रख रख लेते हम गौर्म रख लेते किंगडम सिस्टम स्थापित कर देते हम uh, हां कोई भी सिस्टम यूनिटरी सिस्टम लेते ले 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 ले, ले 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 ले, हम चुन सकते थे हमारे पास यह अख्तियार था इसको इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको पाकिस्तान लेकर क्रेजी रहता है

ICCPR और आईसीएस का सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो मोर इंटरनल है डेमोक्रेटिक है कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो यूएन चार्टर का प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो एक्सटर्नल है इंटरनेशनल है और क्रिएशन ऑफ स्टेट की कंसेप्ट को देता है ठीक है ना इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट

उसके लिए आपको आर्टिकल 73 जाना पड़ेगा वहां पे ये कहता है कि सेल्फ डिटरमिनेशन जो कि स्टेट क्रिएट करता है यानी इंडिपेंडेंट स्टेट का क्रिएशन होता है उसके लिए कंडीशन ये है कि आप नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी हो तो क्वेश्चन ये है कि जब 1940 से और इसके पहले जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कौन किससे लड़ाई मांगा था भारत में प्रिंसली स्टेट्स भी थे और भारत में एक क्वीन भी थी जो कि एम्पर थी तो क्या जो राजा जो राजा जो जो राजा भारतीय राजा थे त्रावणकोट के हो गए कश्मीर के हो गए रामपुर के हो गए ऐसे कई थे जालंधर के हो गए इस तरीके के कई जो हमारे जोधपुर हो गया इस तरीके के जो राजा थे क्या इनके लोगों क्या इन राजाओं के अगेंस्ट में वहां के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन था क्या ये लोग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी थे

कोई दूसरा कंट्री आके इंटरफेयर नहीं करेगा कि सद्दाम हुसैन बुरा लीडर हम इसको हटाएंगे इराक पे जो इन्होंने जाति की वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है झूठ बोला झूठ बोलकर के उसकी गवर्नमेंट को गिराया और इराक को उन्होंने परपेचुअल में फेंक दिया सिर्फ पर्सनल बदला लेने के लिए तो अगर वो अगर इराक के लोग नहीं खुश थे वो लड़ाई लड़ा था इरा इराक की लड़ाई लड़ा उसने लोकल लोगों को मारा जो भी है ये वहां के लोगों का पर्सनल मैटर है वहां के लोग डिटरमाइन करेंगे कि वो सद्दाम हुसैन को हटाएंगे रखेंगे रिवोल्ट करेंगे क्या करेंगे ये किसी कंट्री का बाहर वाले का कोई हिस्सा नहीं सेम प्रिंसिपल जब आप भारत में थे तो भारत में जो आजादी की लड़ाई हो रही थी वो सिर्फ अंग्रेजों के अगेंस्ट में थी अपने राजाओं के अगेंस्ट में आजादी की लड़ाई नहीं हो सकती वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की लड़ाई हो सकती है जैसे आप अगर सोलह का बिल ऑफ राइट देखे कि ब्रिटेन में वहां के पार्लियामेंटेरियंस और राजा के बीच में लड़ाई हो गई अगर आपने इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1648 का जो बिल ऑफ राइट्स था उसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन जो थे उन्होंने अपने राजा के साथ बकायदा युद्ध लड़ा उसके पहले जब ये बिल ऑफ राइट साइन हुआ उसके पहले क्योंकि राजा जो था वो अपने लिए ज्यादा पावर चाहता था ज्यादा पैसा अपने पर्पज के लिए वो टैक्स कलेक्ट करना चाहता था और वहां के पार्लियामेंटेरियंस कह रहे थे कि आप टैक्स वो टैक्स नहीं लेवी कर सकते जो हम जिसको अप्रूव ना करें क्योंकि हमें लोगों को जाके जवाब देना पड़ता था राजा कह रहा था नहीं मुझे तो ज्यादा पैसे चाहिए मुझे तुम अपनी आर्मी को और बढ़ाना है तो मुझे टैक्स चाहिए तो क्वेश्चन ये आया कि क्या राजा बिना पार्लियामेंटेरियंस के अप्रूवल के टैक्स कर सकता है इस बात पे राजा के बीच में और पार्लियामेंटेरियंस के जबकि वो राजा के ही पार्लियामेंटेरियंस थे

रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब कि मैं आपको रिप्रेजेंट तो करता हूं पर मेरे पास कोई ताकत नहीं है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब हमारे राजाओं के साथ हुई जो मान लीजिए कश्मीर में पुंछ में कुछ अगर रिवोल्ट हुआ म्यूटिनी हुई वो कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूटिनी कहलाई जा सकती कहला है क्योंकि कश्मीर नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी नहीं कहलाएगा हमारे इंडिया में नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ वो होगी जो अंग्रेजों के द्वारा शासित की जा रही थी ब्रिटिश इंडिया बाकी वो सारी टेरिटरी जो कि राजा वहां के स्वयं कर रहे थे वो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी नहीं थी इसलिए भारत में यूएन चार्टर के अंदर में कोई भी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का एप्लीकेशन नहीं होता स्ट्रेट एंड एंड ऑफ द मैटर क्वेश्चन अब आप ये पूछ सकती हैं कि क्या कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था क्या कश्मीर जो भारत एक कंसेप्ट है जो टेरिटरी है उसमें कश्मीर कभी इंक्लूडेड था इसके लिए तो आपको मैं लाइन लगा सकता हूं सोर्सेज की और इस्लामिक सोर्सेज ऑल्दो आई हेट दिस स्कॉलर इस्लामिक या या मुस्लिम क्रिश्चियन होना चाहिए स्कॉलर स्कॉलर होता है लेकिन फिर भी अगर कोई थॉट प्रोसेस किसी की है आपको किताब पढ़नी चाहिए किताबुल अल हिंद किसने लिखा था वो अलबरू hmm. आपको पढ़ना चाहिए जो ईस्ट hmm. इंडिया कंपनी जब यहां आई और उसने धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लिया तो यहाँ के जो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे उनको एनुअल रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी कि भारत क्या है भारत की टेरिटरी क्या है इसको आप कैसे मतलब जो वो गवर्न कर रहे हैं वहां पे जो ब्रिटेन के साथ उनका शासन हो रहा है वो शासन कैसा चल रहा है क्या भारत पे उनका शासन ठीक चल रहा है तो उनको ये बताना पड़ता था कि भाई आप ये बताइए कि ये जो टेरिटरी है वो भारत है कि नहीं है क्योंकि अगर वो टेरिटरी भारत नहीं है तो वहां पे आपको फिर जो चार्टर मिला था बिजनेस करने का वो अप्लाई नहीं करता है आप समझ रही हैं? तो ये बात अंग्रेज जब भी आए वहां पे उनके साथ जो हिस्टोरियंस आए उन हिस्टोरियंस ने भी यही कहा कि भाई ये जो गाय हैं, इनको भारत की टेरिटरी डिफाइन करना चाहिए तो जो इन्होंने भारत की टेरिटरी डिफाइन करी आपको ये समझना होगा उस टेरिटरी में हमेशा कश्मीर को भारत का पार्ट दिखाया इन्होंने अपनी रिपोर्ट में हमेशा ये कश्मीर को भारत का पार्ट दिखाते रहे और उसका ये भी रीजन था कि आप जो भारत और की बात करते हैं वो टेरिटरी सदियों से जो आप हमारा डेफिनेशन ले लें उसका क्या नाम है वो विष्णु पुराण का जी आप बोलें। जी मेरा सवाल ये था कि यूएन का इस वक्त का स्टैम्प क्या है अच्छा अगर हम पहले की भी बात करें तो आ, अगर कश्मीर पहले से ही भारत का हिस्सा था और एक्सेक्शन भी लीगली हुआ था तो जिसने अग्रेशन किया तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे आज पर द लीगल वे देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा इंटेलिजेंट है एग्रेशन पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा एग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ इंडिया ने गोवा पे अटैक किया उन्नीस में क्या इंडिया ने गोवा में एग्रेशन किया आप समझ रही हैं क्वेश्चन है एग्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट अंडर आर्टिकल टू क्लॉज फोर ऑफ द यूएन चार्टर जो ये कहता है कि यूज ऑफ फोर्स जिसको कि एग्रेशन uh, कहा गया

गोवा के लोगों ने कहा कि इंडिया हम इंडियन है पुर्तगीज कह रहे थे हम पुर्ट, ये पुर्तगाल है पुर्तगीज कह रहे थे कि गोवा गो, इंडिया नहीं है गोवा पुर्तगाल है यानी गोवा यूरोप है इंडिया में यूरोप की टेरिटरी मान रहे थे तो ये बात यूएन चार्टर ये बात सिक्योरिटी काउंसिल में गई क्योंकि अब वेस्ट ने इंडिया को कहा कि तुमने यूरोपियन टेरिटरी के ऊपर अटैक कर दिया है यू, यूज ऑफ फोर्स का जो प्रिंसिपल है यूएन चार्टर का वॉलेट कर दिया तुमने तो वो वो एग्रेशन था इंडिया का अपने ही लोगों के प्रति देखिए एग्रेशन तब होता है जब वो टेरिटरी आपकी नहीं हो जब मैं मैं आपको कितने डेफिनेशन वो आपको दिखा सकता हूं कि भाई आप जिसमें कश्मीर को इंडिया का पार्ट हमने नहीं दुनिया ने कहा आप अलबरूनी को देखें वो कहता है कि कश्मीर इज अ हिंदू इंडिया वो कश्मीर को कि ये एक हिंदू बात क्योंकि वहां पे बात कर रही हूँ और उनके कबाल की बात कर रही हूँ उनके अग्रेशन की बात कर हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ कि अग्रेशन पाकिस्तान के हिसाब से देखिए पाकिस्तान का ये कहना है अनिका जी आपको समझना पड़ेगा कि हमने कोई अग्रेशन नहीं किया क्योंकि ये जो अम, ये जो टेरिटरीज थी ये फ्री टेरिटरीज थी आप अग्रेशन तब करेंगे जब आप किसी इंटरनेशनल टेरिटरी में जाएंगे उन्होंने कहा कश्मीर कोई टेरिटरी नहीं थी कश्मीर फ्री था फ्री लैंड था तो हम अगर उसमें घुसे तो हमने टेक्निकली लॉ का कोई वॉलेशन नहीं किया दैट इज द आर्ग्युमेंट दैट प्रेजेंट जी आप पूछना आपके मन में कुछ दुविधा है जी पूछिए तो आप ये, ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस टाइम पे जो इन्वेजन किया दैट वाज राइट वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी तभी तो इन्वेजन किया उन्होंने वो ये समझ गए थे कि कश्मीर इंडिया नहीं है तो और जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर का विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ वो भी उसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को टो करते हैं जो पाकिस्तान कहता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं होता तो कश्मीर इंडिया नहीं होता दिस इज ब्लड इन नॉन कश्मीर अंग्रेजों ने नहीं बनाया था अगर अंग्रेज वो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ टेरिटरी जीत ली थी अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो टेरिटरी नहीं जीतती तो क्या इंडिया, इंडिया इंडिया नहीं बनता आप खुद सोचे क्या इंडिया इंडिया नहीं बनता आप अगर इन बातों पे आ, आ, अगर आप ये कहेंगे कि भाई कश्मीर का या इंडिया का निर्माण उसने किया है क्या नाम है आ, अंग्रेजों ने लोग ये कहते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं होता तो कश्मीर का विलय नहीं होता अरे भाई जब अलबरूनी कह रहा है कि कश्मीर मींस इंडिया इंडिया मींस कश्मीर हिंदू कश्मीर कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पे शारदा लिपि थी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी था लोग कश्मीर को टूरिस्ट सेंटर बना दिया कश्मीरीज वर साइंटिस्ट